देश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी कद्दावर नेता लोहिया वाहिनी के सपा नेता पर कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर पिलाने के बाद कार में डालकर दुष्कर्म करने का मॉडल ने आरोप लगाया है। एक बार नहीं कई बार बलात्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा चर्चित मॉडल के साथ बेहोशी की हालत में बलात्कार किए जाने का मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मॉडल की तहरीर पर थाना क्वारसी में बलात्कार की धारा 376 के तहत सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर धमकी देने के साथ ही ब्लैकमेल करते हुए कई बार रेप किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। जिसके बाद पुलिस ने बलात्कार की शिकार हुई चर्चित मॉडल को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजते हुए आरोपी सपा नेता की तलाश शुरू करते हुए कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी तृतीय अशोक कुमार का कहना है कि थाना क्वारसी पुलिस को एक महिला के द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के लिए दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि उसके साथ कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद उसके साथ बलात्कार किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस द्वारा मामले में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। संबंध बनाने संबंधी आरोप अंकित करके एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई प्रचलित की गई है।